लंबे समय से समाजवादी पार्टी की अनदेखी झेल रहे पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव ने समाजवादी सेक्युलर मोर्चा बना लिया है। शिवपाल यादव ने कहा कि वे समाजवादी पार्टी से उपेक्षित लोगों को इस मोर्चे से जोड़ने का काम करेंगे। शिवपाल सिंह यादव ने दावा किया कि समाजवादी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव भी समाजवादी सेक्युलर मोर्चे से जुड़ेंगे। शिवपाल यादव ने कहा कि वह नेताजी को सम्मान न दिए जाने से आहत हैं और सेक्युलर मोर्चे के सहारे छोटे दलों को जोड़ेंगे। हम आपको बता दें कि हाल ही में रक्षा बंधन पर बहन से राखी बंधवाने के बाद शिवपाल ने कहा था, इंतजार करते 1.5 साल हो चुके हैं, आखिर कितनी उपेक्षा बर्दाश्त की जाए, सहने की कोई सीमा होती है। हम आपको बता दें कि इससे पहले मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भी शिवपाल सिंह से मुलाकात की थी। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि राजभर भी इस मोर्चे में शामिल हो सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक नई पार्टी बनने के बाद शिवपाल यादव मुलायम सिंह यादव से मिलने उनके आवास पर जा सकते हैं। दरअसल शिवपाल यादव को उनके बड़े भाई मुलायम सिंह यादव ने पिछले साल ही भरोसा दिलाया था कि एसपी में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। पिछले साल जब एसपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई तो यह तय माना जा रहा था कि उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया जाएगा। हालांकि उनके दूसरे बड़े भाई प्रोफेसर राम गोपाल यादव को प्रधान महासचिव तो बना दिया गया पर उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई। इससे वे काफी निराश थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रेड नेटवर्क। आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। आपसे गुजारिश है YouTube पर रेड नेटवर्क से जुड़ने के लिए इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब बटन के साथ ही घंटी बनी हुई है, उस पर जरूर क्लिक करें ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत इसकी जानकारी मिल जाए और आप लगातार जुड़े रहें रेड नेटवर्क के साथ।